हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आवर वर्कशीट नंबर 1 सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास 7th शेड्यूल टू बी डन ऑन 9 सितंबर 2020। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट मोशन एंड टाइम। यू हैव टू राइट डाउन योर नेम एंड योर टीचर्स नेम ऑन द वर्कशीट। बेटा, आप अपना नाम और टीचर का नाम ज़रूर लिखिए, डेट लिखिए, वर्कशीट नंबर ज़रूर लिखिए। आपकी साइंस की कॉपी में इसको आपको करना है, क्योंकि जब आप इसकी पिक भेजेंगे, जब आप फ़ोटो खींच के भेजेंगे, आपका नाम उस पर अगर होगा तो टीचर इजीली उसको पहचान सकेंगे। मोशन एंड टाइम में बेटा, सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक। स्टैटिक जो हिलते नहीं है, मूव नहीं करते। यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टैटिक होती हैं, दे डोंट मूव, वो मूव नहीं करती। जैसे ट्रीज, मोबाइल, टीवी। वाइल सम ऑब्जेक्ट्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दे आर सेट टू बी इन मोशन, सच एज बस, कार एक्सेट्रा। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा चल सकते हैं या जा सकते हैं, जिन्हें हम ले जा सकते हैं, मूवमेंट है पॉसिबल जिनकी, उनको हम क्या कहते हैं, मोशन में है। जैसे बस चलती है, कार चलती है, बाईसाइकिल चलती है, हम दौड़ सकते हैं। तो अब मूवमेंट कैसी हो सकती है, कभी भी मोशन कैसा हो सकता है बेटा? मोशन या तो स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है। कोई बच्चा बहुत तेज़ दौड़ता है और कोई बहुत धीरे दौड़ता है। तो यहाँ देखिए, द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल द सम अदर्स इज फास्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मोशन क्या है, वो स्लो है, और कुछ ऐसे हैं जिनका मोशन फास्ट है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये कार है, ये कार, दो कार्स हैं ये, जिसमें से रेड ऑरेंज से भी आगे जा रही है, और ये स्कूटर है और साइकिल उससे पीछे है। तो अब हमें कंपेयर करना है, इन द गिवन पिक्चर फाइंड आउट विच मूव्स फास्ट इन कंपैरिजन बिटवीन। तो हमें बताना है कौन सी इन दोनों में से फास्ट है। तो कार और साइकिल, देखिए जो फास्ट होता है वो आगे होता है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी चीज़ तेज़ चलती है? आप साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी वाला उससे आगे चला जाएगा। फिर स्कूटर और कार, तो स्कूटर वाला देखिए यहाँ पीछे है और कार वाला उससे आगे है, तो यहाँ क्या तेज चल रहा है, कार। देन साइकिल और स्कूटर, अब यहाँ देखिए साइकिल से तो तेज़ है ना स्कूटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्कूटर। देन इन द अदर टास्क, बेटा ये तो एक्टिविटी थी कि आपको बताना है कौन फास्ट है। तो यहाँ कार साइकिल में से फास्ट है, कार। देन स्कूटर और कार में से भी कार फास्ट है। उसके बाद स्कूटर और साइकिल में कंपेयर करेंगे तो स्कूटर बिल्कुल सही, आप लोग जान गए कि ये स्कूटर तेज़ चलेगा, आप देखते भी हैं अपने आसपास। अब देखिए 1, 2, 3, ये 3 पिक्चर्स जो हमें दी गई हैं, इसमें हमें ऑब्ज़र्व करना है। ये बच्चे दौड़ रहे हैं बेटा, ये जो बच्चे दौड़ रहे हैं, हमें उसको पहले ऑब्ज़र्व करना है कि देखिए ये रेस आपने एक ही स्थान, एक पॉइंट से शुरू की। एक बच्चा ए है, दूसरा बी है, और फिर सी उनको डिनोट किया गया, ए बी एंड सी। यहाँ पर कौन तेज चल रहा, यहाँ ए धीरे था लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अब ये देखिए बी, और देन ये सी। लेकिन जब एंड तक पहुँचे, बी धीरे धीरे थक गया, सी की वो रनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखा हमने, और ए इन सब से आगे आ गया। और ये देखिए, ये रिबन से दिखाया गया, हम देखते हैं ना जब फिनिशिंग लाइन होती है वहाँ एक रिबन लगा होता है, जब भाग के आते हैं तो ये रिबन यहाँ से टूटता है, उस रनर के साथ में लग जाता है। तो ये दिखाया गया है कि ए ने वो रेस जीती, सेम डिस्टेंस कवर किया, पूरी दूरी तीनों ने बराबर दूरी तय की, लेकिन कौन सबसे पहले क्रॉस कर पाया, सबसे पहले जो सबसे आगे गया उसी की स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर। तो यहाँ पर है, जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी वो चीज़ कवर करती है एक ही समय में। अब देखिए, एक ही समय मिला था सबको और एक ही डिस्टेंस था, बराबर दूरी सबको तय करनी थी, तो जो सबसे पहले आगे पहुंच पाया उसी को सबसे तेज़ कहा जाएगा, वही सबसे फास्ट है। तो हमें बोला गया है, ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर्स एंड राइट हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग ए बी सी। तो देखिए, कौन सबसे तेज़ दौड़ा, किसने ख़त्म किया वो सबसे पहले रेस को, ए। वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। जिसने सेम डिस्टेंस को कवर किया कम समय में, उसी की स्पीड सबसे ज़्यादा है। और स्पीड क्या होती है,
स्पीड है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, हमारी जो स्पीड है, हम कहते हैं गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, ऊपर लिखा होता है, आप देखिएगा, मम्मी अपने पापा को चलाते हुए देखिए, या कोई व्हीकल है जिसपे आप जा रहे हैं तो आगे स्पीडोमीटर भी लगा हुआ होता है, आप उसको देखेंगे तो उसमें आता है कि आपने कितनी दूरी तय की है कितने समय में, और स्पीड उसमें वो बताता रहता है। तो जितना हमने दूरी तय की एक यूनिट टाइम में, उसे बोला जाता है स्पीड उस ऑब्जेक्ट की। अब है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड कैसे हम, अगर हमें मेज़र करनी पड़े, नापनी पड़े, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितनी दूरी तय की है उसको हम भाग करेंगे टोटल टाइम टेकन, कितना समय लिया गया है। तो आप कभी अगर देखेंगे, अभी रोड्स पे आप देखते हैं कि चलान भी कट रहे हैं स्पीड की वजह से, तो स्पीड की वजह से चलान जब कटते हैं, आप अभी कभी होर्डिंग्स पे कभी देखिएगा जो बैन लगे हुए होते हैं साइड पे, वहाँ पे बेटा लिखा होता है 50 किलोमीटर पर आर। तो जब किलोमीटर में होता है तो पर आर, और अगर मीटर्स में होता है तो पर सेकेंड। आपकी जो दूरी है मीटर में है तो सेकेंड में आएगा समय, अगर दूरी किलोमीटर में ले रहे हैं तो समय घंटों में आता है, आर्स में आता है। अब देखिए, कोई भी अगर मोशन है, कोई भी चीज़ अगर गति में है, तो वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपने तो एस्केलेटर चलाया, स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा, कभी आपने, हो सकता है रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, जब कॉन्स्टेंट स्पीड पे स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है बेटा, अगर वो सीधा सीधा चल रहा है और एक ही स्पीड पे चल रहा है कि उसने 20 किलोमीटर ही तय किया है एक घंटे में, और फिर अगला 20 किलोमीटर एक घंटे में, फिर अगला 20 किलोमीटर एक घंटे में, तो वो होती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म एक जैसा है उसकी गति। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, अभी उसने 20 किलोमीटर तय किया, फिर 10 किलोमीटर तय किया, पहले 20 किया, फिर 10 किया, फिर उसने 18 कर लिया, फिर उसने 22 कर लिया, तो यहाँ स्पीड चेंज हो रही है, एक जो डिस्टेंस के बाद वो चेंज हो रही है, सेम नहीं है, तो उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखिए हमें करना क्या है, नाउ आंसर दीज टू क्वेश्चंस। अब ये क्या है, ये क्वेश्चंस जो हैं आपके, खुशी एंड सोनिया टू सिस्टर्स, खुशी और सोनी दो सिस्टर्स हैं, बोथ गो टू सेम स्कूल, दोनों एक ही स्कूल जाती हैं, खुशी तो बेटा पहुंचती है वहां पर, खुशी रीचेज द स्कूल 12 मिनट्स में, वाइल सोनी रीचेज इन 15 मिनट्स, और सोनी जाती है 15 मिनट्स में, हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव स्लो, तो बेटा जो ज़्यादा समय लेगा वो क्या है, स्लो है, और जो पहले पहुंच रहा है वो फास्ट है, तो आप क्या कहेंगे, खुशी मूव्स, कैसा, क्योंकि खुशी ने 12 मिनट लिए फास्टर देन सोनी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप फास्टर देन सोनी नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं खुशी मूव्स फास्ट, क्योंकि उसने 12 मिनट्स में किया, और सोनी का क्या हो जाएगा, सोनी स्लो मूव्स स्लोली। अब नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पता चल गया 12 मिनट क्योंकि खुशी ने लिए थे और 15 मिनट लिए थे सोनी ने, तो वो कौन है, फास्ट, फास्ट है हमारी खुशी। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देयर स्कूल इज 600 मीटर फार, उनका स्कूल की जो दूरी है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उनके स्कूल की दूरी है 600 मीटर। मैंने अभी आपको बताया था अगर मीटर में होगा तो जो समय है वो किस में होगा, सेकेंड में। From their home, स्कूल जो है वो 600 मीटर दूर है घर से, they reach in 60 seconds by car, और वो कार से 60 seconds में पहुंच जाते हैं, 60 second यानी कि 1 मिनट होता है, लेकिन यहाँ second में क्यों दिया है, क्योंकि स्पीड जब हम निकालते हैं, अगर दूरी होगी मीटर में तो समय सेकेंड में लेना है, अगर दूरी है किलोमीटर्स में तो समय हमें घंटों में लेना होता है। What is the speed of the car? तो यहाँ speed of the car क्या हो जाएगी बेटा, हमने अभी पढ़ा था इसमें speed का formula होता है हमारा total distance covered upon total time taken। तो यहाँ देखिए हमें total distance दिया गया है 600 मीटर और समय है 60, time है हमारा 60 second।
तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से जब ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, तो आपके पास आ जाएगा 60। आप इसकी यूनिट ज़रूर याद रखेंगे, यूनिट कैसे होती है, मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा कि इनकी क्या है स्पीड, 60 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरह से आप अलग अलग क्वेश्चंस करके क्विज भी कर सकते हैं अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, और अपने जो कंसेप्ट हैं उनको और अच्छा कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चंस करिए, अपने टेक्स्ट बुक से भी इस टॉपिक को पढ़िए, अपनी जो साइंस की बुक है उसको पढ़िए, ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट भी कर सकें, जो नॉलेज आपको मिली उससे रिलेट भी कर सकें। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। डू योर वर्क ऑन टाइम एंड सेंड इट टू योर टीचर। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।